Hello students, how are you all? I hope all are fine. So let's start today. 8th class topic is understanding quadrilateral exercise 3.4. Okay. So before this exercise, we have to discuss earlier video about rectangle, properties of rectangle, square, parallelogram, kite, trapezium, and so on. Yes or no? This exercise is based on these properties. Okay, if you have learned these properties, these quadrilateral properties, then you can understand very well and you can solve very easily also. Okay, so let's start question number 3. Ki explain how square is. Explain how square is a quadrilateral. Kis tarike se square ek quadrilateral hai, ek parallelogram hai, ek rhombus bhi hai. और एक रेक्टेंगल भी है, राइट? तो किस तरीके से हम इसको इसका सॉल्यूशन राइट करेंगे, ओके? सो एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर इज हाउ मेनी साइड्स ऑफ स्क्वायर, फोर साइड्स, सो टोटल नंबर ऑफ फोर साइड्स अकॉर्डिंग टू ए बाउंडेड फिगर व्हिच हैज फोर साइड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, सो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, यस और नो? तो हम यहां से राइट करेंगे इसका सॉल्यूशन ए स्क्वायर हैज, ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स, फोर साइड्स, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टूड और नॉट? वेरी सिंपल. सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड आसिंग ए पैरेललोग्राम, कि किस तरीके से स्क्वायर पैरेललोग्राम है, राइट? तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, ओके, इन दिस स्क्वायर हैविंग फोर साइड्स, यस और नो? तो फोर साइड्स के अकॉर्डिंग दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड दिस साइड आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, राइट? सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर A square has opposite sides are equal and parallel. So it is a parallelogram. So it is a parallelogram. ओके, वेरी सिंपल. नेक्स्ट इज ए रोम्बस, कि किस तरीके से ये स्क्वायर एक रोम्बस भी है. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, इन ए रोम्बस ऑल साइड ए बाउंडेड फिगर व्हिच हैज फोर साइड्स, ओके, एंड फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट? सो अकॉर्डिंग टू स्क्वायर, ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स, four sides which are equal, or in a rhombus also in all sides are equal, and if you have to write the a square and rhombus has four sides which are equal, okay, which are equal, so it is a rhombus, yes or no? Very simple. Next is ki explain how square is a rectangle, ki kis tarike se square ek rectangle bhi hai. So according to property of rectangle, ki of each angle, each interior angle is a right angle, और इन स्क्वायर ऑल्सो ईच एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल, ओके. नेक्स्ट इज ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैज ईच एंगल इज each angles are right angle, it means
यानी कि ए स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ए स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, ए स्क्वायर एक रोम्बस भी है और ए स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है. ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर पर वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर एंड आर इक्वल. यानी कि हमें क्वाड्रिलेटरल बताने हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसमें जिनके डायगोनल्स कैसे होते हैं, आपस में एक दूसरे को कट करें, बाइसेक्ट करें, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, उनको 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, राइट, दिस दिस एंगल. यानी कि ये दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ डायगोनल एंड दिस इज आल्सो डायगोनल. ओके, तो दीज टू डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, एक दूसरे को हाफ हाफ कट कर रहे हैं, राइट. तो इसी तरीके से हमें नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है. तो फर्स्ट पार्ट कि नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल जो बाइसेक्ट करते हैं. तो नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals are bisect each other are कौन कौन से bisect करते हैं according to properties, according to properties a square bisect करते हैं, right, rectangle also bisect, yes or no, yes or no, bisect करते हैं, rhombus, in a rhombus diagonals also bisect, in a parallelogram, right, these quadrilaterals are bisect to each other. Okay, second part, this is the first part and this is the second part, are perpendicular bisect of each other, following quadrilaterals are perpendicular, this is a symbol of perpendicular bisector, perpendicular bisector of each other, यानी कि एक दूसरे को हाफ कट करते हैं डायगोनल्स, इसमें 90 डिग्री पे. तो कौन कौन से सर, एक तो स्क्वायर है एंड ए रोम्बस, जो रोम्बस और जो रोम्बस और स्क्वायर है इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट. थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज आस्किंग कि आर इक्वल, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स कैसे होते हैं आपस में इक्वल होते हैं. तो फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, आर इक्वल इट्स स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दीज टू क्वेश्चंस, दीज थ्री थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस आर वेरी इजी. सो वन टाइम टाइम्स यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन वॉच अगेन दिस दैट वीडियो. In which video we have to discuss about the properties of our quadrilateral of quadrilaterals. Okay. So I hope you will do study continually. Okay. Bye. Have a nice day. Thank you. And do more and more practice.